दोस्तों फाइनली पोको तैयार है इंडियन मार्केट में अपने एक और नए दमदार स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है पोको M4 5G। जी हाँ, पोको तैयार है इंडियन मार्केट में पोको M4 5G को लॉन्च करने के लिए। इसका लॉन्च डेट जो है ऑफिशियली कंपनी द्वारा कंफर्म करा जा चुका है और दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग पे आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपसे बताऊंगा पोको M4 5G के बारे में कि अगेन किस Xiaomi फोन का रीब्रांड है, उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा। इन टोटल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ पोको M4 5G से रिगार्डिंग। तो वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। So, hi guys, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। So, without wasting any more time, guys, let's get straight to the video. So, दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे Poco M4 5G को जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि किस Xiaomi स्मार्टफोन का रीब्रांड करा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। सामने की तरफ बात करें तो वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे केवल 5 MP का सेल्फी कैमरा लगा दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ डुअल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज किया जाएगा 50 MP का, सेकेंडरी कैमरा 2 MP का। ठीक है, सिंगल कैमरा देते इससे अच्छा रहता और सेकेंडरी कैमरा भी नाम के लिए दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 18W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, बट बॉक्स के अंदर 22.5W का आपको फास्ट चार्जर जो है देखने को मिलेगा। अब प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जी हाँ, एकदम स्टार्टिंग रेंज का आप कह सकते हैं चिपसेट देखने को मिलेगा, जी MediaTek का यहाँ पे Dimensity 700 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि LPDDR4X वाले रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाले स्टोरेज टाइप के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। हाँ, स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलेंगे एंड ये स्मार्टफोन जो आपको MIUI 13 पेयर करेगा, जो कि Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 8.9mm की एंड इसका जो वेट है वो 200 ग्राम का है। ये रही यहाँ पे पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी और पोको M4 5G की यही स्पेसिफिकेशन होने वाली है। अब बात करते हैं करिए किस Xiaomi फोन का रीब्रांड होने वाला है। तो दोस्तों आज से काफी टाइम पहले जो है Xiaomi ने चाइनीज मार्केट में लॉन्च करा था Redmi Note 11 E 5G स्मार्टफोन। अब दोस्तों उसको रीब्रांड कर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करा गया था Redmi 10 5G के नाम से। अब फिर अगेन उसको रीब्रांड कर इंडियन मार्केट में लाया जाएगा पोको M4 5G के नाम से। सिर्फ यहाँ पे लुक वगैरह जो है चेंज करे गए हैं। अब दोस्तों एक बार और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये जो पोको M4 5G है इंडियन मार्केट में जो अभी लॉन्च हो रहा है, ये अगेन फिर से इसको Redmi रीब्रांड करेगा और Redmi 10 5G के नाम से फ्यूचर में लॉन्च करेगा। बट फिलहाल अगर मैं आपसे पोको M4 5G के यहाँ पे लॉन्च डेट करने बात करूँ, तो ऐसा कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि हम इस स्मार्टफोन को जो है 29 अप्रैल को, जी हाँ 29 अप्रैल को ये स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रहा है। एंड दोस्तों इसके प्राइसिंग करने बात करूँ तो देखिए इसका जो बेस वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा आपको 4GB RAM + 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग होने वाली है अप्रॉक्स 12,000 रुपये या फिर 13,000 रुपये। यही दोनों में इसको एक प्राइसिंग होगी 12-13,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेंगी। और मतलब एक तरह से ना कहना चाहता है पोको कि हम अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले, 5 MP का सेल्फी कैमरा, तो 12-13,000 से ज़्यादा इसकी प्राइसिंग होनी भी नहीं चाहिए। 13,000 से जो एक्सीड नहीं करेगी, कितने भी आगे जाए 13,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, या फिर एग्रेसिव जाती है तो 12,500 भी देखने को मिल सकती है हमको प्राइसिंग। तो यहाँ पे यही प्राइसिंग होगी 12-13,000 रुपये। तो बस दोस्तों यही जानकारी जो आपको देना चाहता था यहाँ पे पोको M4 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे जैसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।